हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सरबजीत राला। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेनोल। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइक्लोहेक्सेनोल जो है वो किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या है, साइक्लो मीन टू से क्लोज्ड है, सिक्स कार्बन है तो हेक्स है, एंड इट इज़ द हेक्सेनोल। तो ये ओल तब लगता है जब हम अल्कोहल ग्रुप जो लगाओ साथ में। तो अगर हम इसके बीच में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर, वी विल गेट हेयर साइक्लोहेक्सीन, वी विल गेट हेयर साइक्लोहेक्सीन एंड विद लॉस ऑफ वाटर। तो हमने स्टूडेंट इसका मैकेनिज्म पढ़ना है कि हाउ दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग। तो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इफ वी हैव द फर्स्ट स्टेप इज द दिस इज द रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, ये रिएजेंट है। तो रिएजेंट्स आर द यूजली रिएक्टिव एंड देयर फोर इट विल सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक डाउन ऑन टू द एच पॉजिटिव एंड द एच एस ओ फोर नेगेटिव। नाउ इन द सेकेंड स्टेप वाट विल बी हेयर, वी हैव हेयर साइक्लोहेक्सेनोल, ये वाला, ये साइक्लोहेक्सेनोल है। अब इसमें क्या होगा, साइक्लोहेक्सिनोल के अंदर हम प्रोटोन की एडिशन करेंगे तो ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इस प्रोटोन को डोनेट करेगी। सो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर, वी विल गेट हेयर ओ, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे एच है। ऑक्सीजन अगर अपनी लोन पेयर डोनेट करेगी तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट अक्वायर द पॉजिटिव, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विदड्रॉ कर लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव विदड्रॉ करेगा तो यहाँ से तो हमारे पास वाटर लॉस हो गया। तो जब ये वाटर लॉस हो गया तो उसके बाद हमारे पास जो रह जाएगा हमने उसको जज करना है। अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे CH2 है। अगर इसका एक एच और इसका एक एच मैं ऐसे लिख दूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये CH2 है और यहाँ से वाटर लॉस हो चुका है। नो वाट विल हैपन हेयर, सो देयर फोर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शेयर कर देगा। तो जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट कर देगा तो यहाँ से एच पॉजिटिव लॉस हो जाएगा। सो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर, वी विल गेट हेयर साइक्लोहेक्सीन विद लॉस ऑफ वाट हेयर, एच पॉजिटिव आयन। तो जब एच पॉजिटिव आयन लॉस हो जाएगा तो देयर फोर दिस इज कॉल्ड हेयर साइक्लो हेक्सीन। एंड ये एच पॉजिटिव जो है वैसे भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड से लिया था और वो हम सल्फ्यूरिक एसिड को वापस दे देंगे। सो दिस इज दी सिंपलेस्ट केस हेयर। तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड देखें। इफ वी हैव हेयर दिस इज दी CH3 और यहाँ पे OH, दिस इज कॉल्ड हेयर 2-मिथाइल, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा है, दैट्स व्हाई इट इज द 2-मिथाइल। क्लोज्ड है तो साइक्लो, सिक्स कार्बन एटम है तो हेक्सेन और अल्कोहल लगा है तो ओल, तो बन गया 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। अब इसके बीच में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो यहाँ पे टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास। तो एग्जैक्टली क्या है कि एक तो ये बनेगा CH3 दिस वन, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला प्रोडक्ट जो है ये भी बन सकता है, दिस इज द CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इट इज कॉल्ड 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। सो दिस इज दी फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, दैट्स वाई इट इज द फर्स्ट 1-मिथाइल साइक्लो, दिस इज क्लोज्ड एंड हेक्स, दिस इज द हेक्सीन, सॉरी दिस इज दी हेक्सीन। दूसरा है हमारे पास ये जो है उसका नाम क्या है, दिस इज दी हेयर इज फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड,
ये फोर, ये फिफ्थ और ये सिक्स। अगर काउंटिंग इस तरफ को करते हैं तो ये मिथाइल थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अगर इस तरफ से करेंगे तो वन टू थ्री फोर, ये फाइव नंबर पे आता है। सो देयर फोर इट्स नेम विल बी द थ्री मिथाइल, इट इज़ द थ्री मिथाइल साइक्लो एंड इज द हेक्सीन। तो ये हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास जो है वो मेजर में आ जाती है, दिस इज द 84%, ये मेजर है। और ये जो हमारा जो है 16%, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो माइनर है। अब हमने स्टूडेंट ये पढ़ना है कि ये मेजर क्यों है और ये माइनर क्यों है विद हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। सो लेट स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो हाउ द डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस दैट वी विल स्टडी हेयर। सो लेट इफ वी टॉक अबाउट द हेयर मैकेनिज्म, सो व्हाट विल हैपन हेयर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है दैट विल गिव एच पॉजिटिव एंड दी एच एस ओ फोर नेगेटिव आयन। तो ये हमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, कि ये जो हमारे पास ये वाला टू मिथाइल साइक्लोहेक्सीनोल है, तो अब यहाँ पे हम लिखने लगे हैं टू मिथाइल साइक्लोहेक्सीनोल। दिस इज अ सी एच थ्री, यहाँ पे ओ एच है, इसके बीच में हमने एच प्रोटोन की एडिशन कर दी। अब एच जो है प्रोटोन है तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या है लोन पेयर, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जो है वो प्रोटोन को डोनेट करेगी। तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर, वी विल गेट हेयर दिस इज द सी एच थ्री, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं। अगर आप ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगी तो ऑक्सीजन विल कैरी विद चार्ज पॉजिटिव। सो नो वाट विल हैपन हेयर, सो अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से विदड्रॉ करेगा। जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा तो देयर फोर वाट विल वी गेट हेयर, तो वी विल गेट वाट इट इज़ लाइक दिस वे, कि ये वाला जो मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पे ही है और उसके बाद हमारे पास इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये हमारे पास बन गया। अब ये वाला जो है हमारा पॉजिटिव कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये साथ में वाटर लॉस हो गया। इसके साथ हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। वन पॉसिबिलिटी जो है वो तो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ, वो पॉसिबिलिटी कौन सी है कि अगर ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, वन टू थ्री, ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे डोनेट कर दे, तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर दिस वन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे CH3। यहाँ पे जो है इसके साथ यहाँ पे बन गया वन टू थ्री इसके बाद देखें जो नेक्स्ट इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ पे ये हमारे पास है रिंग एस सच, यहाँ पे ये मिथाइल और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ से वाटर लॉस हो गया और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नाउ सी हेयर दैट कि अगर ये कार्बन जो है ये वाली इस कार्बन के साथ वन टू थ्री और एक यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी है, वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था, तो वो यहाँ पे पिछले जितने भी स्टेप हैं उनके ऊपर भी था। तो व्हाट विल हैपन नाउ हेयर कि इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश करने के लिए अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये वाला हाइड्रोजन अगर अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे डोनेट कर दे, तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर, वी विल गेट दिस एज ए प्रोडक्ट, कि ये वाला सी एच थ्री यहाँ पे रहा और ये यहाँ पे आ गया, तो दिस इज कॉल्ड हेयर वन मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। सो दिस इज द वन मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसी को मैं अगर दोबारा से मैंने यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि ये सेम स्ट्रक्चर इसकी यहाँ पे बताने लगा हूँ मैं, कि ये हमारे पास जो सपोज ये वाला मिथाइल यहाँ पे है और इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एच लगा हुआ है
और इस कार्बन के पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन के ऊपर दो पॉजिटिव सॉरी दो हाइड्रोजन एटम है। तो होगा क्या कि वन ऑफ द पॉसिबिलिटी आई हैव मेंशन हियर कि ये पॉसिबिलिटी है, तो यही मेजर है वैसे तो। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये वाला हाइड्रोजन अगर अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे डोनेट कर देता है, तो यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रोनेसिटी डोनेट करेगा तो इसका पॉजिटिव तो फिनिश हो जाएगा एंड यहाँ से एच पॉजिटिव लॉस हो जाएगा। सो देयर फोर वाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट दिस एज ए प्रोडक्ट, यहाँ पे CH3 एज सच, और यहाँ पे ये सिंगल था, अब ये क्या बन गया, डबल। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास माइनर है, और ये क्या हमारे पास है, मेजर है। सो दिस इज मेजर एंड दिस इज द माइनर। एग्जैक्टली व्हाई इट इज द मेजर, बिकॉज जो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है इसके अराउंड जो है सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम है। यहाँ पे देखें, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो हियर इज द लेस सब्स्टिट्यूशन हेयर। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड देयर इज द सब्स्टिट्यूशन इज हाई, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन हेयर। तो ये वाला जो है स्टेबल है, और ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉरी दिस इज द मेजर और ये क्या है, माइनर। मेजर इसलिए है क्योंकि अक्रॉस द डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो हाई है, और यहाँ पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड जो सब्स्टिट्यूशन किसकी है, हाइड्रोजन एटम की। सो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। सो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।